पाकिस्तान आज जीतेगा इंशाल्लाह। टूट के बबरी मजबूर हो गई, ऐसा घटिया शॉट खेल के आउट हो गई। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो क्लिप्स काट लें, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं। तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। कल वीडियो बना के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इंडियंस पाकिस्तानी सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान की पहली जीत। आया तेरे दर पर दीवाना, 19 रनों से फिर नमाज मिस हो गई, समझ नहीं लग रहा नमाज पढूं या 50 करूं। लाल लाल चूतड़ वाला बंदर जो होता है ना, वो रिजवान की शक्ल लग रही थी। साउथ अफ्रीका जो है इस वक्त दहूश, वो जंगली जानवर बने हुए हैं, वो कत्लो गारत के ऊपर उस भाई ये हारिस रऊफ की बची कुची हड्डियां भी तोड़ देंगे। वो वाली साउथ अफ्रीकन टीम नहीं है जो पहले होती थी, हम कह मजाक उड़ाते थे सब के चोकर्स हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक बिल्कुल एक नई रूप उनकी भी उनके अंदर। देखते हैं कि ये किस तरह निकलते हैं। एक चीज लैकिंग करती है इनमें पूरे वर्ल्ड कप में, ये डरे डरे घबराए हुए चूचों जैसी शक्लें बनाई हुई, जैसे इनको जंग में भेज दिया। इतनी रस्सी लंबी होनी थी, हो गई। इनकी जितनी बेगैरती चलनी थी चल गई। ये जितना कंजरपन दिखा सकते थे दिखा दिया इन्होंने। अब बेगैरतों की तरह ये अपने आप को बचाने के लिए आज फिर कोशिश करते नजर आए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर पाकिस्तान के थके हुए बैट्समैन अपनी थकी हुई क्रिकेट लेकर आ गए हमारे पास, जहां पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम फिर एक बार सेल्फिश पारी खेल रहे थे, जहां खुद के 50 रन करने के बाद आउट हो गए और पाकिस्तान की पूरी टीम ऐसा लग रहा था कि वे हारने के लिए ही क्रिकेट खेल रही है। सिर्फ ये मैच नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह की पाकिस्तानी टीम अन्य देशों से हारने के लिए आई है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी टीम से बातें बन वालों तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल तक जो पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर वन बॉलर है शाहीन आफरीदी कह रहे थे कि वे सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ ही नहीं, वे पूरा वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन दोस्तों आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार करके पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो चुका है और पाकिस्तान जितना मन चाहे मंत्र फूंक ले या फिर दीवार पर अपना सिर पटक ले, पाकिस्तान अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो क्लिप्स काट लें, मैं भी यहीं हूं, आप भी यहीं हैं। आपको पता है मेरी प्रिडिक्शन गलत नहीं होती, स्पॉट ऑन होती है। पड़ोसियों इंडियंस लो स्क्रीनशॉट, करो शेयर वीडियो को, आप भी करो पाकिस्तानियों। कल पाकिस्तान जीतेगा, साउथ अफ्रीका से विनिंग स्ट्रीक शुरू करेगा, उसके बाद हमें ब्रेक नहीं लगेगी। चेन्नई से कल MH चिदंबरम स्टेडियम चीपॉक में हमारा सफर शुरू होगा, जर्नी शुरू होगी। और जैसे हर दफा हम साउथ अफ्रीका को हराते हैं उसी तरह कल हराएंगे। और ये आप देखिएगा, लिख ले मैं भी रोज वीडियो बनाता हूं। कल वीडियो बना के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इंडियंस पाकिस्तानी सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान की पहली जीत, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार 6 मैचेस जीतकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएगा 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। याद रखिएगा, कर ले रिकॉर्ड, कर ले शेयर वीडियो, कर ले कमेंट, आप भी यहीं पर हैं। याद रहे कि पाकिस्तान हमेशा साउथ अफ्रीका को हराता है, हमेशा नॉकआउट में हमारे इनके साथ मैच आता है। 2009 का T20 वर्ल्ड कप याद होगा, जब शाहिद आफरीदी ने हर्षल गिब्स और AB de Villiers की विकेट ली थी, पाकिस्तान वहां से नॉकआउट मैच जीता था। आपको याद होगा 2015 में हम फंसे हुए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, AB de Villiers अकेला खड़ा हुआ था, सुहेल खान ने उसको आउट किया था, हम लोग वो मैच जीते और क्वार्टर फाइनल में गए थे। डू ऑर डाई मैच था। याद रहे कि डू ऑर डाई मैच 2019 के वर्ल्ड कप में भी था, हमने 300 किया बैटिंग फर्स्ट, साउथ अफ्रीका को हराया और हम लोग पहुंच गए अगले मैच में, हम लोग बाहर नहीं निकले, बांग्लादेश से हमारा अगला मैच था। उसके बाद आपको याद होगा 2022 का T20 वर्ल्ड कप, डू ऑर डाई मैच, मोहम्मद हारिस की एंट्री होती है, रबाडा को नौकिया को ऐसे छक्का वहां छक्का ऐसे इनगिडी को खेलते हैं और पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, क्योंकि आप लोग साउथ अफ्रीका हार जाता है नेदरलैंड से भी। तो पाकिस्तान हमेशा से साउथ अफ्रीका को हराता है, ये स्ट्रीक इंशाल्लाह कर बरकरार रखेंगे। कुछ टीम्स होती हैं जो नहीं जीत पाती हैं, बस फ्रेंकली आपको पता है, जैसे हम श्रीलंका को हमेशा हराते हैं 8-0 हमने किया हुआ है, उसी तरह आपको पता है कि कुछ टीम्स हैं जिनको हम हराते ही हराते हैं, उनमें साउथ अफ्रीका भी है। आगे बात करेंगे इंग्लैंड न्यूजीलैंड के, अब बांग्लादेश से भी करेंगे, अभी ऐसे मैचेस
आ गए हैं जो पाकिस्तान हमेशा जीतता है, मतलब नींद में जीत जाता है, जरूरत ही नहीं खेलने की। मैं कहता हूँ वैसे ही 2 पॉइंट्स लिखते हैं कल के मैच में। इतना खुश हूँ, इतना मोटिवेटेड हूँ। और पता है टीम की परफॉर्मेंस से यार, टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी लग रहा है, टीम जो ट्रेनिंग कर रही है, बॉन्डिंग उनका जो है लेवल वो बहुत ही अलग है। और उनको रियलाइज हो गया कि अब उन्होंने मैचेस जीतने हैं। अब पाकिस्तान को आप कॉर्नर कर दें ना, जब आप राइट ऑफ कर दें, फिर पाकिस्तान जो है ना वो नहीं किसी के हाथ आता। सबसे डेडली पाकिस्तान होता है कॉर्नर टाइगर की तरह, जो इमरान खान ने कहा था 92 वर्ल्ड कप में। अब वो स्टेज आ गई हमारी, अब हमारे कॉलर ना ऐसे उठ गए हैं, अब हमारे अंदर जोश और जज्बा आ गया। अब ग्रीन शर्ट्स, अब सारे ग्रीन पहन के कल जुम्मे में हम लोग नमाज में दुआएं करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे ये मैच। और इंशाल्लाह ताला कल से हमारी स्ट्रीक शुरू हो जाएगी। आप लोगों को ये प्रीव्यू दे रहा हूं मैं, लिख लें, मेरे सामने मैच चल रहा है कि कल क्या करने वाले हैं हमारे बॉलर्स, कल क्या करेगा शाहीन अफरीदी, कल क्या करेगा हारिस रऊफ, कल क्या करेगा उसामा मीर, मेरे सामने मैच है। बाबर कितने रन करेगा, अब्दुल्ला क्या करेगा, इमाम ने क्या परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह नबाडा को टैकल करेंगे, किस तरह महाराज को करेंगे, साफ साफ चल रहा है। और आपको बताएंगे कल कि क्लासन, डी कॉक, मिलर को, यानसन को और मार्करम को कैसे काबू किया जाता है, ये कल पाकिस्तान आपको सिखाएगा। कल मैक्सवेल की बैटिंग तुमने देख ली, आज तुमने रिवर्स की एक कोशिश करी, अगली बॉल पे तुम आउट हो गए। यार हंसी आ रही थी, वो सिर्फ साबित करने आया था मैं तेज खेल रहा हूँ, लोगों ने लिखा कप्तानी की जुगाड़ बनाने आया कि देखो मैं अग्रेसिव। इन दोनों रिजवान का ये इन पर है, उन बच्चों की हाय और अल्लाह की तरफ से भी हाय। इनकी जितनी रस्सी लंबी होनी थी हो गई, इनकी जितनी बेगैरती चलनी थी चल गई, ये जितना कंजरपन दिखा सकते थे दिखा दिया इन्होंने। अब बेगैरतों की तरह ये अपने आप को बचाने के लिए आज फिर कोशिश करते नजर आए। वो चूना पोत के वहां से कह रहा आ गया, एक वो आ गया जो रिवर्स की। अबे तुमने जब पूरी जिंदगी में का जो है ना डिफरेंट डिफरेंस पे ही नहीं किया क्रिकेट के अंदर, तो आज कोशिश करने की क्या जरूरत है यार। इसकी भी सुन लें आप क्या कर रहे हैं वो कमेंट्री में। भाई देखें, हम हर वो पॉइंट बता देते हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद है। मेरा कोई फूफी का लड़का तो है नहीं साउथ शकील, ठीक है, वैसे भी हम लंबे लंबे लोग हैं सब, वो छोटी खत का है, ठीक है, हमारा रिलेटिव नहीं हो सकता, वो इसी से समझ लो। आकिब भाई के दिए रखे वो तो चले, आकिब भाई तो रोजाना ही रुसवा हो रहे हैं, वो तो रात को देते हैं बयान। ना वकार यूनिस रमीज राजा की तरह बार बार उसकी स्पिन बता रहे थे कि वो स्पिन पे अच्छा है। आगे बॉल मिला जेराल्ड कोटजे का, उसने चौका मारा, उसी बॉल पर वकार यूनिस ने कहा कि आगे बॉल मिल गया लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमें पीछे वाली गेंदों पे परेशान किया, आज वो नहीं खेली जा रही और साउथ जो है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं उन्होंने कहा, अच्छा उससे पहले साउथ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी पीछे की बॉल, साउथ ने पीछे वाली पे भी पुल मारा, वो भी चार हुआ। अब बारी आई लानत और शर्म का मकाम है, मैं आपको बिल्कुल उसी तरह बता रहा हूँ जिस तरह हुआ है आप तो। रसल आर्नल्ड और वो औरत, वो वकार यूनिस से जानते ये भी थे, वो वकार को बता रहे थे कि ये 2 महीने पहले प्लेन्स में नहीं था, इसने बर्बाद कर दिया। और इसमें कोई बात है, एक और गोरा कमेंटेटर उससे पहले कह रहा था कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट साउथ शकील। अबे तू कब छोड़ेगा अपना ये रीजनलिज्म? नहीं नहीं, ये असल में भावलपुरी पन जो है ना इसके अंदर से जाएगा नहीं, वो कौन सा है वो बिहारी पन, इसके अंदर जाएगा नहीं। 2% की साली इनकी अप्रोच है क्रिकेट की। अबे तू बॉलर होगा किसी वक्त का, होगा किसी जमाने में, अब नहीं है तू, अब तू कर रहा है बेगैरतिया।